दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, हमारे साथ किशन ठाकुर जी हैं, बसपा नेता हैं, फरीदाबाद लोकसभा उम्मीदवार हैं। क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन पलवल में आए थे और कह रहे थे मैं कृष्ण पाल गुर्जर को हरा दूंगा, आपकी ताकत चाहिए, ऐसा आप बोल रहे थे ना, तो हरा देंगे आप कृष्ण पाल गुर्जर? ऐसा है, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ धर्मेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात यह है, जो आज मैंने 150 के करीब काम करे हैं हर कॉलोनी, मुझे बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है और 36 बिरादरी मेरे साथ है और मैं ये चुनाव जीत के बहन जी की झोली में डाल दूंगा टिकट को। सीट निकाल लेंगे आप 100%। आप मेरे से ज्यादा जानते हो, आप सब जगह पूछ लो। आज मुझे समर्थन नौजवानों ने भी दे दिया है और गांव गांव पंचायत चल रही है, 12 गांव की, कहीं 25 गांवों की पंचायत चल रही है, उन्होंने मेरे को समर्थन दे दिया, खासकर नौजवानों ने। अच्छा जी, अच्छा। बेरोजगारी बहुत है। आप मुझे एक बात बताओ धर्मेंद्र जी, पिछले 10 साल में क्या कोई काम हुए हैं? कहते तो बहुत विकास कर दिया लंदर में भाई, मुझे तो आपको ज्यादा पता है। एक आदमी तो बता दो, पीछे कांग्रेस रही थी, कांग्रेस ने भी नहीं करा, बीजेपी कर ही नहीं रही है, इन पुलों को दिखा देती है, पुलों से पेट नहीं भरता। किसान हमारा परेशान है, मजदूर हमारा परेशान है, नौजवान हमारा परेशान है। देखो ना फिर विकास कहाँ है, सड़क सारी टूटी पड़ी है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कों की हालत बहुत बुरी, बहुत खराब है धर्मेंद्र जी, बहुत सारी जगह शिकायत आ रही, घटिया सड़कें बनाई जा रही, सारी घटिया सड़क बनाई जा रही। आप मुझे बताओ क्या हो रहा है? तो किशन पाल कहते हैं 10 लाख वोटों से जीत। भाई साहब ये तो पिछले, पहले आप 5 साल पहले चुनाव हुए थे तो 75 पार बता रहे, आज 40 सीट आई थी इनकी पिछली बार, तो ये तो 400 नारे लगा रहे हैं, 200 टाप जाम, वही बहुत है। अच्छा जी? हाँ जी, इतनी बुरी हालत? मैं कह रहा हूँ आप, देश की हालत बुरी है और खासकर हमारे राजपूतों को, खासकर राजपूतों को। देखो गुजरात में इन्होंने हमारे राजपूत कमी सेना के उसकी बेइज्जती कराई, हरियाणा में लठ बजा रखा है, नौजवानों को हमारों को कोई नहीं बूझ रहा, 36 बिरादरी के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पता है क्या? आप मुझे बताओ क्या है? तो आपकी नजर में विकास नहीं हुआ? कोई मेरी नजरों में नहीं, पब्लिक कह रही है मेरे से, मैं नहीं कह रहा, पब्लिक कह रही है, मैं तो पब्लिक में जा रहा हूँ, पब्लिक कह रही है काम ही नहीं हो रहे। तो आप पूरी ताकत लगा रहे हैं? बंसी वाले की कृपा से, ये जनता भी बंसी वाले का रूप है, मैं 100% जीत के बहन जी की झोली में डाल दूंगा इसको टिकट। धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए। तो देख रहे हैं दोस्तों पलवल में क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन हो रहा है, उसी में किशन ठाकुर जी पहुंचे थे और यहां पर इन्होंने बोला भाई जीत तो मेरी ही होगी फरीदाबाद लोकसभा चुनाव में। बाकी देखते हैं क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।